हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बात करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। इसमें लास्ट सेशन में अपन ने बेसिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। अब मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, जो कल अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। आज अपन डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लेंगे आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिएगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आप कह सकते हैं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे बेटा। देखिएगा, जब भी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि मेनली ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है वो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को आप देख सकते हैं, द नॉन पार्टिसिपेट ऑफ एस इलेक्ट्रॉन पेयर इन बॉन्डिंग। तो एनएस के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर आप इसको यू लिख सकते हैं बेटा, एनएस एनएस सबशेल के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा बेटा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP1। तो यहाँ पर NS2 के इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और यहाँ NP1 पार्टिसिपेट करने की वजह से क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम जाने पर प्लस वन हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अपन बात कर सकते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इनका, या कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है +3। तो आप कहेंगे द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज 3। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। तो बोरॉन का साइज स्मॉल होने से इसके जो 3 आयोनाइजेशन, फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन जो है वो क्या हो जाता है बेटा, 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई हो जाती है। दिस प्रिवेंट्स इट टू फॉर्म +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बोरॉन एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। एग्जाम्पल है आपके Mg3B2, यहां पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है बेटा। क्लियर। अलोंग विथ +3 अदर एलिमेंट्स गैलियम इंडियम थेलियम शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। द स्टेबिलिटी ऑफ +1 इंक्रीजेस फ्रॉम गैलियम टू थेलियम ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहां पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, +1। द इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम गैलियम टू थेलियम। TlCl मोर स्टेबल देन TlCl3। तो यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो आप कह सकते हैं कि +3 के कंपेरेटिवली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज होगा। सेकेंड है आपके वैलेंसी। देखिएगा वैलेंसी होती क्या है, मेनली आप कह सकते हैं वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स, कि एक एलिमेंट्स की ऐसी कैपेसिटी जो कंबाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवा सके। क्लियर। देखिएगा, इन जनरल दीज आर ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स एज दे पजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस शेल। इन ट्राइवेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंटर एटम विल बी ओनली 6 इन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, सो इट एक्ट एज लुईस एसिड। तो इनको क्या कहा जाता है बेटा, लुईस एसिड कहा जाता है। हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। क्लियर। एग्जाम्पल देखिएगा BF3, ठीक है, द टेंडेंसी टू
बिहेव ए लुएस एसिड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द एटमिक साइज डाउन द ग्रुप। और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इनका लुइस एसिड जो कैरेक्टर है, बिहेव है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज एटमिक साइज इंक्रीजेस। क्लियर? एटमिक साइज इंक्रीज होने से लुइस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज हो चला जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, BCl3 इजिली एक्सेप्ट्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया टू फ्रॉम आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, वेयर एज AlCl3 अचीव्स स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग ए डाइमर। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्या होता है, BCl3 जो होता है वो अमोनिया से क्या कर लेता है, लोन पेयर, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है इजीली। क्लियर? बट AlCl3, AlCl3 जो होता है वो डाइमराइजेशन कर लेता है, दूसरे Al को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्लियर? तो यहां पर ये भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्लियर? ये देखिएगा अमोनिया, फिर BCl3, बोरोन ट्राई क्लोराइड, अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है और प्लस और बी माइनस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, अमोनियम बोरोन ट्राई क्लोराइड। ये क्या होता है बेटा, अमोनियम बोरोन ट्राई क्लोराइड। क्लियर? ये देखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको सेमी पोलर बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। क्या जाते हैं? पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स। देखिएगा अब कंपाउंड्स के नेचर की बात करते हैं, तो अपन कह सकते हैं थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। क्या होता है बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लियर? तो आप कहेंगे थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज दे आर हाई आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पे क्या होता है बेटा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन आर आल्सो कोवेलेंट बट सम कंपाउंड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक AlCl3, GaCl3 आर कोवेलेंट ओनली इन एनहाइड्रेट या एनहाइड्रस स्टेट। एनहाइड्रस स्टेट में ये क्या रहेंगे, कोवेलेंट रहते हैं। ठीक है, और हाइड्रस फॉर्म में आ जाएं तो ये आयोनिक हो जाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, Why cannot boron form B plus 3 ions? Answer देखिएगा, The element with highest sum of ionization energy, first, second and third is boron. तो इनका जो first three ionization energy होता है वो बहुत high होता है, इसलिए ये B plus 3 ion नहीं बना पाते। Hence it can form B plus 3 ion. Next, why is maximum covalency of boron only 4 whereas that of aluminium is 6? Boron highest 4 oxidation state show करता है, but aluminium covalency जो है वो 6 show कर रहा है। ठीक है, answer देखिएगा, Al has vacant d orbitals, hence it can expanded या expand its octet. Aluminium में vacant d orbital present होता है, vacant d orbital present होता है, जिससे ये अपनी valency को expand कर लेता है. In boron there are no d orbitals at all, hence it cannot expand its octet. ये अपने octet को expand नहीं कर पाता. Clear? Write the correct order of reducing nature of group 13 elements in plus 3 oxidation state.
तो देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या बात आती है, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, इस तरीके से। तो एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये ऑर्डर होता है। सबसे हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, आफ्टर बोरॉन, गैलियम, इंडियम और थेलियम का हो जाता है। मोर स्टेबल एंड मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थेलियम इज प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फाइव, तो होता है प्लस वन। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। AlCl3 एग्जिस्ट एज मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, तो डाइमर।